We have great news coming in of an IIT student in Guwahati whose body was found hanging in the hostel. Indian Institute of Technology, Madras. Student suicides have become a big problem. A man in IIT Mumbai, one of the country's most prestigious institutions, commits suicide. 21-year-old Mamita Naik from Odisha was found dead inside her hostel room on Monday night. She had joined M.Tech at the IIT Hyderabad. Chennai, another IIT Madras student allegedly committed suicide by hanging himself at his IIT Delhi uske campus se khabar aa rahi hai jahan par ek suicide ki jankari mil rahi hai ek chhatra ke khudkushi ke mamle ki jankari samne aa rahi hai. In the campus where another student has allegedly died by suicide. IIT Delhi ke student ne kiya suicide. Student ne pankhe se phanda laga kar kiya suicide. अप्रैल 2024 आईआईटी गुवाहाटी के एक हॉस्टल रूम से एक स्टूडेंट का हैंगिंग बॉडी मिलता है। उनके पास से एक सुइसाइड नोट भी मिलता है। सुइसाइड नोट में वो ये कहते हैं कि कोई भी उनके सुइसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इससे पहले 15 फरवरी 2024 23 साल के वरद नरकर की लाश उनके हॉस्टल रूम से मिलती है। उनके फैमिली ने इस सुइसाइड का रीजन मेंटल स्ट्रेस बताते हुए प्रोफेसर पर इंक्वायरी की मांग रखी है। इस साल कुछ प्रोमिनेंट IITs फ्रॉम IIT दिल्ली टू IIT रूरके कानपुर एंड BHU में कुल 5 स्टूडेंट्स ने सुइसाइड कर लिया और ये कोई नया आंकड़ा नहीं है। पिछले 20 साल में 115 IITs ने सुइसाइड कर लिया हमारे देश में। इट इज सीरियसली वेरी कंसर्निंग। जहां एक स्टूडेंट IIT पहुंचने के लिए इतना मेहनत करता है, वही IIT पाने के बाद भी आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि उनको सुइसाइड करना पड़ता है। IIT के प्रिपरेशन के वक्त का सुइसाइड स्टोरी या कोटा के सुइसाइड केसेस से तो हम बहुत अवेयर है, पर IIT के बाद का सुइसाइड स्टोरीज हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ऐसे क्या रीजंस है कि स्टूडेंट IIT पाने के बाद भी सुइसाइड कर रहे हैं। और इसी चीज को आज हम समझेंगे हमारे इस वीडियो में। वीडियो में कोई मसाला नहीं है तो शायद आप बोर हो सकते हो, पर वीडियो पूरा रॉ है। I will request you to watch the full video and share it with your loved ones if you find it valuable. हमारा बच्चे को पढ़े को भेजिए, मगर हम बच्चे मर के जा रहा। सर, हमारा पेरेंट्स 20 साल हमको अच्छे से बचा के यहाँ पे भेजा है, सोच के कि बेटा अच्छा डिग्री लेके आएंगे वापस। सर, 20 साल हमको बचा रख पाया, यहाँ पे 5 साल भी बचा नहीं पा रहे। अगर हम सिर्फ कॉजेज ऑफ सुइसाइड्स की बात करें तो इसका बेसिक रीजंस है एकेडमिक प्रेशर, मेंटल प्रेशर एंड पीयर प्रेशर। अगर आप सिर्फ एकेडमिक प्रेशर की बात करो तो IITs में फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स होते हैं और हर एग्जाम्स का अपना वेटेज होता है, तो थ्रू आउट द ईयर आपका प्रेशर रहता है। अब आप ये कह सकते हो कि ये चीज तो सिर्फ IIT में नहीं बल्कि हर जगह होता है, इवन JEE की प्रिपरेशन के वक्त भी तो ऐसा होता है। हाँ, होता है, पर कुछ स्टूडेंट्स जो IIT तक चले तो जाते हैं पर वहाँ के एकेडमिक प्रेशर को ना झेल पाने के कारण अल्टीमेटली सुइसाइड कर लेते हैं। और ये एकेडमिक प्रेशर सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता है या फिर एग्ज़ाम ज़्यादा होता है। यहाँ एक और चीज़ काम करता है और वो है सेल्फ एस्टैब्लिशमेंट, जिससे आता है एक और प्रेशर, मेंटल प्रेशर। एक बार जब आप IIT में चले जाते हो तो आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है। आपको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का पैकेज लेके निकलना पड़ता है, क्योंकि आपके सोसाइटी, फ्रेंड्स और फैमिली को आपसे यही उम्मीद होता है। पर रियलिटी क्या है? आखिर कितनों को ऐसे पैकेजेस मिलते हैं और आखिर IIT से अनएम्प्लॉयड क्यों निकलते हैं? IITs और इससे मिलने वाले पैकेज को मैंने अपने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो आपको जरूर देखना चाहिए। और इन पैकेजेस को लेके, रैंक को लेके, प्लेसमेंट को लेके क्रिएट होता है एक मेंटल प्रेशर, जो कुछ स्टूडेंट्स को मजबूर कर देता है सुइसाइड करने के लिए। और ये एकेडमिक प्रेशर और मेंटल प्रेशर से भी अगर कोई एक खतरनाक इशू है तो वो इशू है आपका कास्ट को लेकर। यस, कास्ट इशू इन IITs। To another shocker, and this comes from IIT Mumbai, where the suicide of a young student has become a political controversy. He is from the Dalit community and the parents are now alleging caste discrimination on the campus. Ayush Ashna, a final year BTech student belonging to the scheduled caste category, was found dead. अब आप लोग बोल सकते हो कि यार IIT में caste discrimination,
वहाँ पे तो एजुकेटेड लोग होते हैं, वहाँ पे क्या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? वहाँ पे होता है रैंक को लेकर। सबको पता है कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका रैंक थोड़ा पीछे भी हो, फिर भी अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी लाइक एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको एडमिशन मिल सकता है। अब इस चक्कर में आपको इनिशियली एडमिशन तो मिल जाता है, बट कॉलेज में कभी कभार आप एक ऐसे ग्रुप का पार्ट बन जाते हो जहाँ पे बाकी लोग किसी दूसरे कैटेगरी लाइक जनरल कैटेगरी से आते हैं, और आप किसी एक ऐसे कैटेगरी लाइक एससी एसटी से बिलोंग करते हो जहाँ पे आपका रैंक थोड़ा पीछे था पर फिर भी आपको एडमिशन मिल गया, तो वहाँ पे आपको एक इनडायरेक्ट फोमो फेस करना पड़ता है। वहाँ पे इनडायरेक्टली आपको नेगेटिविटी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के बीच लोग मजाक मजाक में ये कह देते हैं कि यार तू तो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है इसलिए तू आईआईटी में आ पाया, नहीं तो तू आता भी नहीं। हो सकता है इससे एक स्टूडेंट के साइक पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जो बाद में जाके सुइसाइड तक चला जाता है। अगस्त 2023 में हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने खुद एडमिट किया है कि पिछले 5 सालों में 33 आईआईटी स्टूडेंट्स ने सुइसाइड किया है, जिनमें लगभग आधे एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से थे। बट यू नो व्हाट, ये चीज बहुत ही सब्जेक्टिव है। मैं यहाँ इस रूम में बैठ के ये आरोप नहीं लगा सकती कि हर आईआईटी में ऐसा होता है और हर बच्चा जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है वो ऐसा करता है, और इसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। अब कैटेगरी से होने का एक जेन्युइन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाता है कि एज आपका रैंक बहुत पीछे था पर फिर भी आपने आईआईटी में एडमिशन ले लिया, पर वहाँ पे ना रिलेटिव मार्किंग सिस्टम है। अब क्योंकि रिलेटिव मार्किंग है और अगर आपके आसपास बहुत सारे टॉपर्स बैठे हो तो अपने आप जो एवरेज मार्क होगा वो बढ़ जाएगा उन बच्चों के लिए, और आपके लिए टफ हो जाएगा स्कोर करना, मैचअप करना, क्योंकि बाकी लोग उस क्लास में बहुत स्मार्ट होंगे। तो ये कोप अप करना उन बच्चों के लिए बहुत टफ हो जाता है अगर उनका रैंक बहुत पीछे होता है तो ये भी एक रीजन हो सकता है जो एससी एसटी वाले बच्चे फेस करते होंगे एकेडमिकली। और इसका रीजन कास्ट इशू या यू कहे कि रैंक इशू, जिस वजह से उनका ये रैंक इशू बाद में डायरेक्टली एकेडमिक प्रेशर और मेंटल प्रेशर को बढ़ाता होगा, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था, एंड एज ए रिजल्ट उनका सुइसाइड करने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। क्योंकि सुइसाइड का रीजन मेंशन करते हुए मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन सुभाष सरकार ने एकेडमिक स्ट्रेस, फैमिली रीजंस, पर्सनल रीजंस, मेंटल हेल्थ इश्यूज एटसेट्रा को जिम्मेदार ठहराया। तो यहाँ पे चीजों को जनरलाइज करना कि कास्ट बुलिंग के लिए सुइसाइड करते हैं स्टूडेंट्स, ये भी शायद सही नहीं होगा। पर हाँ, एक पैटर्न जरूर देखने को मिलता है जहाँ एससी आदिवासी स्टूडेंट्स इन प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स पर भी सुइसाइड कर रहे हैं, जिस पर हमारे चीफ जस्टिस डीआई चंद्रचूड ने भी एक बार कहा था, पर क्या करें, क्योंकि यहाँ सिस्टम ही ऐसा है। तो भाई, आईआईटी में भी रिजर्वेशन और इनइक्वालिटी है, और आईआईटी जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स पर रिजर्वेशन कितना सही और कितना गलत, आपको क्या लगता है? आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आईआईटीज में एडमिशन नहीं मिलता ड्यू टू दिस कैटेगरी सिस्टम, इवन दो दे आर डिजर्विंग। और इससे आगे चल के इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ सैलरी पैकेजेस हो या कास्ट बढ़ता ही है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ मीडिया इस चीज को बहुत ही बायस्ड होके देखती है, क्योंकि आपको ऐसे आर्टिकल्स तो मिल जाएंगे जहां एक स्टूडेंट के सुइसाइड के बाद उसके कास्ट को ढूंढा जाएगा, पर अगर वही स्टूडेंट अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है तो इनका मुंह बंद हो जाता है। एज पर गवर्नमेंट डाटा 2014 से 2021 तक 122 आईआईटी स्टूडेंट्स ने सुइसाइड किया, जिसमें से 24 एससी थे, 3 एसटी और 41 ओबीसी कैटेगरी से थे। पर नैरेटिव्स बनाने के लिए मीडिया सिर्फ उन केसेस को लेंगे जो उनके नैरेटिव को सूट करता होगा। आई गेस ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पर भी कास्ट पॉलिटिक्स ना करके पार्टीज को ये देखना चाहिए कि इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जाए। वीडियो अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, कैसे आईटी मींस इक्वालिटी, ये ट्रुथ नहीं मिथ है, इसे जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।